नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में, जिसका सभी को इंतज़ार था। आज वह गाना रिलीज हो चुका है। जी हम बात करें तो गाने का नाम है अहिरान के समान, और ये रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके का वायरल हो रहा है। बात करें तो इस गाने पर एक घंटे में महज 4 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जिसको एक भोजपुरी का बहुत बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। और ये गाने को इस तरीके से रिलीज किया गया है, ना ही इसकी कोई टाइमिंग दी गई थी, ना ही इस गाने को लेकर कोई अपडेट था, और अचानक से इस गाने को रिलीज कर दिया गया। अचानक से रिलीज इस गाने पर लगभग एक घंटे में 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिलना, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास है और भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव और उनके फैंस काफी ज्यादा गदगद नजर आ रहे हैं। बात करें तो आदिशक्ति फिल्म पर इस गाने को रिलीज किया गया है, और इस गाने के सिंगर खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका है। लिरिक्स की बात करें तो अखिलेश कश्यप है, वहीं म्यूजिक की बात करें तो श्याम सुंदर इसके म्यूजिक कंपोजर हैं। डिजिटल जो है विक्की यादव संभाल रहे हैं, तो प्रोड्यूसर मनोज मिश्रा हैं, और इस गाने पर लगातार व्यूज आने शुरू हो गए हैं। बात करें तो इस गाने पर लगभग 49,000 से ज़्यादा लाइक्स आ चुके हैं, तो वहीं कमेंट्स की बात करें तो लगभग 30,000 के करीब में इस गाने पर कमेंट आ चुके हैं, और ये गाना लगातार वायरल होता नज़र आ रहा है। और जिस चीज़ का कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा था, वो चीज़ सामने आ गई है, और अहिरान के समान गाना जो है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एक गाना बनकर उभरा है। वहीं बात करें तो इस खुशी में अखिलेश कश्यप जो इस गीत के राइटर हैं, उन्होंने खेसारी लाल यादव से वीडियो कॉल पर बात की है, और बात करते हुए उन्होंने लिखा है कि खाली असही हंसत रहीं भैया, हमारे भोजपुरी के एक और रिकॉर्ड बन गया। आज कश्यप और हिट मशीन के नाम अंतरा जी आदिशक्ति फिल्म श्याम आकाश लव यू, यानी कि एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया, और इस खुशी में खेसारी लाल यादव मुस्कुराते नजर आए हैं। तो वहीं ये गाना लगातार वायरल की ओर बढ़ रहा है, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गाना कितनी बड़ी ऊंचाई को अचीव करता है। बाकी आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए आदिशक्ति फिल्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को ज़रूर सुनिए। धन्यवाद।